Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today my topic is making of obtuse angle with the help of protractor. वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ताकि आपको नई से नई वीडियोस रोज़ाना आप हासिल कर सकें. और आज मैं आपको obtuse angles में 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री के दरमियान आप कोई भी एंगल बना सकते हैं. मैं आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगी. और एंगल बनाने के लिए आपको फिर मैं दोनों डायरेक्शंस में एंगल बनाना सिखाऊंगी. यानी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्यूट एंगल फॉर्मेशन में भी दोनों साइड से एंगल बनाना सिखाया था 45 डिग्रीज का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. स्टार्ट योर एंगल मेकिंग विद द हेल्प ऑफ अ रे. अब आप रे बनाएंगे. दो रे मैं बना रही हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है. और एक का आप पॉइंटेड एंड एक तरफ रखेंगे और एरो एंड एक तरफ, ठीक है. और दूसरी का मैं दूसरी तरफ रख रही हूँ ताकि आप अगर इस साइड इस तरफ से बनाना चाहें तब भी 120 डिग्री कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता चले, और अगर इस तरफ से रख के बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा. ये आपको डी क्लियरली नज़र आ रहा होगा. यहाँ से 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और आपका ये 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री इस तरफ आ रहा है, ठीक है. और जो यहाँ से 0 डिग्री शुरू हो रहा है इसका 120 डिग्री इस तरफ आ रहा है. मुझे अब एक 120 डिग्री बनाना है. सबसे पहले मैं ये वाला 120 डिग्री बनाऊंगी. इसको बनाने के लिए मैं अपना डी यहाँ पर सेट करूँगी. परपेंडिकुलर लाइन का जो सेंटर है उस पर अपने कंपास को सेट करूँगी और डी को सेट करूंगी. और ये 0 डिग्रीज की जो लाइन जा रही है इससे अपनी रे पे इसको सेट करने के बाद इसको अपने हाथों की ग्रिप से, उंगलियों की ग्रिप से इसको मजबूती से इसको फिक्स कर लूंगी. यहाँ पर जहाँ से आपका ये 0 डिग्रीज जो है आपके रे के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ये 0 डिग्री आपका यहाँ से काउंट होगा, ठीक. और ये 0 डिग्री यहाँ से काउंट होते होते 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120 डिग्रीज पे यहाँ पर ये आने के. और ये आप लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. ये आपने ये आप देख रहे हैं कि मैंने राइट साइड से इसको यूज़ करते हुए जो है ये वाला एंगल राइट साइड से बना रही हूँ. ये 0, अब ये मैं राइट साइड से बना रही हूँ. 0 डिग्री मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर रे मेरी कौन साइड हो रही है 0 डिग्री से. और ये काउंट करते हुए 120 पे यहाँ पर मार्क करने के बाद इसको हटाकर अपने स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर दूँगी. अब मैंने इस एंगल को ABC नाम दिया है और इसको LMN, ठीक. और अब आप इसको लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज एंड दिस इज एंगल LMN इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल.